अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौफिया अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि आज का दिन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपसे मुखातिब हैं। दुआ है खुदावंद मुताल आपको भी जल कर बलाए मौला में आकर ईद के दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा प्रोग्राम ये करबला है, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के ज़रिए से, जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जुमे के दिन अर्ज़ अकीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, वा अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बकीतु व बकिया लैलु व नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन वबना सैयदिल वसीयीन, अल्मुतीउ लिल्लाहि वले रसूले वले अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या कमर अल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आप लोग हमारे साथ करबलाए मौला में मौजूद हैं। यकीनन आप ज़ाहिरी नहीं, बातनी तौर पर हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, क्योंकि हमारी रूह, फितरत, यकीन, ईमान अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा करता है। हमको किसी की रूह आज़ारी नहीं आती, वरना कोई कैफियत तारी नहीं आती। हैदर की विलायत ही वो मैं है जिसे पी कर दरवेशों को नाजेबा खुमारी नहीं आती। मागर ना हो बाजारी तो हैदर से जफा की, नज़दीक कतअन वल्लाह बीमारी नहीं आती। 14 की मवद्दत में जो अजसाम पे लग जाए ज़र्ब ऐसी तो हम पर कोई कारी नहीं आती। अपनों में अली हक कभी गैरों में तकिया, मक्कारी हमें ऐसी यारी नहीं आती। अपनों में अली हक कभी गैरों में तकिया, मक्कारी हमें ऐसी यारी नहीं आती। नोहा खान तनवीर हैदर शेख साहब खैरपुर मीरत से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए, मौला का जिक्र कीजिए। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। या अली मदद। चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम सलाम से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। जी 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 जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व हुसैन,
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا شار الله يا ابن الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. जी بسم الله کیجئے، مولا کا ذکر کیجئے. جی مولا حسین علیہ السلام کی منقبت کے دو اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. غور حق بتا، غور حق بتا، یزید ہے یا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. مولا حسین فرما رہے ہیں بسم اللہ، میں وہ نہیں جو گردش حالات میں رہے، جا کر کہو یزید سے اوقات میں رہے. میں وہ نہیں جو گردش حالات میں رہے، جا کر کہو یزید سے اوقات میں رہے. نہ تخت و تاج، نہ تخت و تاج مجھ کو دکھا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. مسجد مولا فرماتے ہیں تو میرے سامنے کوئی ایسا نہ لا سکے جو مجھ کو اپنا فخر سے شجرا بتا سکے. تو میرے سامنے کوئی ایسا نہ لا سکے جو مجھ کو اپنا فخر سے شجرا بتا سکے. فخر رسول، فخر رسول، فخر خدا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، اور جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو. امید کروں گا کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت فرما کے ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہماری حسرت چاہت اور ہماری تڑپ ہے، اور اسی وجہ سے ذاکرین، خطباء، علماء کوشش کرتے ہیں کہ موقع مل جائے. حالانکہ فون کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور یوں ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو راہ اہل بیت علیہ السلام میں استعمال کریں. الحمدللہ ہماری ملت کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا وہ جذبہ، شوق، تڑپ، لگن، حوصلہ ہے کہ الحمدللہ 1400 صدیاں بیت گئیں، لیکن ہماری قوم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے سے الحمدللہ کبھی بھی عاجز نہیں آئی، تھکی نہیں، برعکس جوں جوں سختیاں پیش آتی ہیں ہماری ملت اس میں اتنا ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر حوصلے، جذبے اور کوشش کے ساتھ آگے آگے رہتے ہیں تاکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں کہیں وہ کوتاہی کرنے والوں میں شمار نہ ہو جائیں. ذاکر اہل بیت علیہ السلام رضوان حسین حیدری صاحب لاڑکانہ سندھ سے، السلام علیکم. علیکم السلام. یا علی مدد مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مدد
चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुज़य्यन फरमाइए। सबसे पहले मैं मौला को सलाम पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सैयदुल वसीयीन, अस्सलाम अलैका इब्न फातिमतु ज़हरा सैयदतुल निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। मैं मौला करीम करबला के हवाले से ही एक कलाम पेश करना चाहता हूँ मौला के बारगाह में। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सो जाओ मेरे ओ हुसैन, सो जाओ मेरे ओ हुसैन, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। शबीर को सुनाता है अल्लाह लोरियां, सब लोरियों की दहर में हैं शाह लोरियां। अजमत से शाह वाला की आगाह लोरियां, हमदे खुदा की मिसल है जी चाह लोरिया। छामे किबरियाई की सो जा मेरे ओ हुसैन, मैं खुद झुलाऊंगा तुझे झूला मेरे ओ हुसैन। मेरे हुसैन अनवा मत लाए अनवार बन के सो, दोनों जहां का मालिक को मुख्तार बन के सो। मैं जागता हूँ तू मेरा, मैं जागता हूँ तू मेरा इजहार बन के सो। ऐ मेरे ऐन दीदाए बेदार बन के सो। सो कर भी दो जहान का कर भी दो जहान का तू ही कफील है, सो जा के तेरा सोना भी मेरी दलील है। झूले को किबरियाई की डोली समझ के सो, तारों को आसमान की होली समझ के सो। लोरी को किबरियाई की बोली समझ के सो। जहरा की गोद को मेरी झोली समझ के सो। सो ऐसे दो जहान हो कुर्बान या हुसैन, सुबहान खुद कहे तुझे सुबहान या हुसैन। इसका आखिरी अंतरा किबला। माओ की हर दुआओं को सर दे के सो हुसैन, जो लावलद हैं लावलद हैं उनको पिसर दे के सो हुसैन। सारी रिसालतों को समर दे के सो हुसैन, फितरस को अपने झूले से पर दे के सो हुसैन। मेरे हुसैन तू मेरे नाजों का नाज है,
सो जा के तेरा सोना भी मेरी नमाज है। आखिर में मैं एक बंद पढ़ना चाहता वीरों ठी उठी भैर कुम ते है जित जित चल जहरा जे मर्जी नाल मैं आवड़ा हुदा कल आंदी प्यू सुगरा दा। तेरे कातिला तू मैं पूछ के आईया ते नहीं मिलिया वक्त ज्यादा ते को कफन पवांदी पर देख तसई वो क्या बचिया ओन दी मारा। खुदावंद मुताल आपका पढ़ा जिक्र अपनी जनाब में मकबूल फरमाए, सदा आबाद रहें, शाद रहें। बेहतरीन आवाज़ के साथ आपने जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में साई की। अहले बैत अलैहिस्सलाम जल्द आपको करबला मौला में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अकीदत पेश करने की सआदत नसीब फरमाएँ। खुदावंद मुताल आपको सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत के मोती बखेरने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर किस्म की बुराई से महफूज फरमाए। नुहा खान अली रज़ा शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम। अली रिजा शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। मौला अली मदद, सदा आबाद रहें। चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्किन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। छो मरतबा अब्बास का आसमां वालों मरतबा अब्बास का नाम अंबिया अब्बा आसमां वालों से मर्तबा अब्बास का कोई पत्ता हिल सकता इजाजत सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का आसमां वालों पूछो मर्तबा। एक छोटा सा शेर अर्ज किया देता हूँ मौला अली हज़रत के हवाले से। हुरमला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह हुरमला नजरें मिलाता किस तरह अरे आगे थी रोब था अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का
बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला वरक पर आज भी है आशिया अब्बास का आसमां वालों से पूछ का नोए के चंद अशआर आपकी पेश खिदमत करता हूँ मौला के हरम में हाय वे वीर हुसैन हाय वे वीर हुसैन हाय वे वीर हुसैन हाय वे वीर हुसैन मौजज़ा पे कातिल मंग दिन है भी हाजिर भेण दी झोली कि वे सर ते दा नहीं दे दे लहे अते कूदे वालों वीरण दिखावे जाजे छोड़ बिरा परवाजे आले आ भेण दी झोली मैं बाबू रहल बड़ी कड़िया ले भेण दी झोली मैं बाजू रहल बड़ी कड़िया अज हते आजाद नजर नब दे शब्बीर में कैद निबई खड़िया ले भेण दी जोली विच जेकु मिलान किते वदा सिकदा है उंदा पुर सावीर कबूल चकर ओ जेकु मिलान किते वदा सिकदा है उंदा पुर कबूल चकर आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए सदा आबाद रहें शाद रहें दुआ गो हूँ जल्द करबला मौला में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपको नजराने अकीदत पेश करने की सआदत नसीब हो। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में करते हैं आप, मैं चाहूँगा कि अगर मुमकिन हो सके तो उर्दू ज़बान में आप लोग ज़िक्र किया कीजिए, इस तरीके से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। कुछ ज़बानें तो मैं समझता हूँ तो उनको मैं समझ सकता हूँ, बाकी कुछ ज़बानें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं समझ सकता, लिहाजा कोशिश करूँगा और इस्तदा करूँगा आप लोगों से कि कोशिश कीजिए उर्दू ज़बान में नुहा पढ़ा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमीन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि हमारा चैनल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 इंटरनेशनल टीवी है जो दुनिया के 7 बड़े आज़मों में सुना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया, अमेरिका में और इस तरह यूरोप के अंदर हर जगह पे हमारा चैनल सुना जाता है। ख्वाहिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ज़बान में ज़िक्र फरमाया कीजिए। अल्लामा सफदर रिदा नजफ़ी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहें। किबला चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अला अल अरवाह अल्लती हल्लत बिसनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बकीत व बाकी लैल व नहार ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتهم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على اهلها اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مثل علی فی امتی کمثل القعبہ. مولا ان دنوں کا صدقہ مالک اللہ ماہ سیام کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. حسنین کے پاک نانا کا کلام تلاوت کیا ہے ماشاءاللہ, اور سبحان اللہ مجھے اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس وقت لطف آتا ہے کہ یہ پاک حدیث مولا امیر علیہ السلام کے گنبد والے دروازے کے اوپر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے. فرمایا مثل علی فی امتی کمثل القعبہ, کہ علی کی مثال میری امت میں کعبہ کی طرح ہے. یعنی علی مثل القعبہ ہے, مثل فرق ہے, مثل ذات, مثل صفات میں ایک جیسا, یعنی جو کعبے کی صفات ہیں وہ علی کی صفات ہیں. مثلا اگر کعبہ ہدایت کرتا ہے تو علی ہادی ہے, اگر کعبہ کرتا ہے تو علی محور ہے, اگر کعبہ بلند ہے تو علی بلندیوں کا نام ہے, اگر کعبہ شرط نماز ہے تو علی کے بغیر دین ہی نہ مکمل ہے. کعبہ علی مثل کعبہ ہے, کعبہ نماز کی پیشانی کا محور ہے تو علی عقیدت کا محور ہے, علی عقیدت کی پیشانی کا محور ہے. جیسا کہ ایک خوبصورت سی عبارت علامہ الکاشف الغطا نے بھی اس حوالے سے کہ حقیقت توجہ الکعبہ کیا ہے, علامہ الکاشف الغطا ان کی کتاب ہے جنت الماوا, بہت پیاری سی عبارت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حقیقت تو توجہ الکعبہ ہوا ان یتوجہ الذالک النور المتولد فیہا ولو کان قصد المقصور الى تلک البنیان والاحجار لکان نوعا من الاصنام معاذ اللہ ولکن تناسب یقتضی بان البدن هو التراب تتوجہ الى الکعبہ التي هي التراب وروح التي هي جوہر مجرد تتوجہ الى الروح تلک الروح التي هي جوہر مجرد ونزلت فيه كل شيء لاحق بجنس التراب للتراب والروح للروح. فرماتے ہیں کعبے کی طرف متوجہ ہونا, کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ کعبہ دو چیزوں کا مرکز, دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اور ہمارا جسم بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کعبہ پتھروں سے, مٹی سے بنا ہے, جسم بھی مٹی سے بنا ہے, پھر اس جسم میں ایک روح ہے, پھر کعبے میں بھی 13 رجب کو ایک روح کا نزول ہوا ہے, روح من امرنا کا نزول ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں بس سجدہ کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ یہ مٹی کا جسم, اگر تو نے یہ سوچا کہ میں کعبے کی دیوار کو سجدہ کر رہا ہوں, لکانا نوعا من الاسنام معاذ اللہ, تو وہ کہتے ہیں یہ سوچ کے سجدہ کیا نا کہ دیوار کو سجدہ کر رہا ہوں تو خدا نخواستہ کہیں قیامت کے دن ادھر سجدے کرتا رہے گا, ادھر کہیں بت پرستوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا, سجدہ کرتے ہوئے خیال ہونا چاہیے کہ یہ مٹی کا جسم کعبے کو جھک رہا ہے اور روح اس روح کو جھک رہی ہے جو 13 رجب کو نازل ہوئی, تاکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے, مٹی مٹی کی طرف پلٹ جائے, روح روح کی طرف پلٹ جائے. بے شک علی علیہ السلام مثل کعبہ ہیں, اور اللہ کے حبیب وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے مصداق, خود سے تو بولتے نہیں, اللہ نے بھی کہا ہے کہ علی کعبہ ہے, لیکن کب کہا, کس وقت کہا, جب محمد مصطفیٰ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جناب سیدہ کے رشتہ طلب کرتے ہیں, تو اللہ کے حبیب جو ہے نا پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہ کیوں جرت کی, اور وہ جواب میں بہت زیادہ مال و دولت کہتے ہیں کہ ہم یہ حق مار دیں گے, یہ سامان دیں گے, تو پھر اللہ کے حبیب پریشان ہوتے ہیں, تو جبرائیل کا نزول ہوتا ہے اور جبرائیل کہتا ہے العلی الاعلی یکرہ کا سلام, تجھے علی اعلی سلام کہہ رہا تھا, اور سلام کے بعد فرما رہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بتول کا رشتہ لے کے علی کے پاس جا, علی کے ہاں جا,
और रिवायत का सियाक व सबाक यही बताता है, गोया कि नबी ने सोचा कि तरीकेकार तो ये होता है कि बेटे वाले आते हैं, आके बेटी वाले से रिश्ता तलब करते हैं। यहाँ पे मुझे अल्लाह कह रहा है कि तू जा अली के पास। बस ये सोचना था कि जिब्राइल ने कहा, अल्लाह कह रहा है मासलो अली यिन कल काबते तोदी वला ताती, अली की मिसल काबे की तरह है, लोग काबे के पास जाते हैं, काबा किसी के पास नहीं जाता। वाह वाह वाह, बेशक काबा है, बेशक अली ही मरकज है, बेशक अली को ही महवर बनाया गया है। और क्योंकि मौला के दरवाजे पे ये लिखा हुआ कलाम है, तो दरवाजे पे से एक और बात भी याद आ गई कि जब जाहिर इज़्ने दखूल पढ़ रहा होता है, और ये इज़्ने दखूल मौला मीर अलैहिस्सलाम के बाप पे भी लिखा हुआ है, मफातिल जिनान में भी लिखा हुआ है, या अली तेरी अजमत की क्या कहने, कि जाहिर कह रहा होता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीना अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक, ऐ अमीर अल मोमिनीन मेरा सलाम हो, मैं तेरा अब्द हूँ, तेरे अब्द का बेटा हूँ, तेरी कनीज का बेटा हूँ। आखिर ये सबब क्या है, ये तसलसल क्या है कि जब नमाज जनाजा की आखिरी तकबीर पढ़ी जाती है तो उस वक्त कहा जाता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका, ऐ अल्लाह ये जो तेरी तरफ आ रहा है, जो तेरी बारगाह में मौजूद है, ये तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है। इधर जाहिर मौला के दरवाजे पे कह रहा होता है, या अली मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी कनीज का बेटा हूँ। ये सिलसिला क्या है, ये राज क्या है? ये राज यही है कि उस वक्त बंदा हकदार बनता है कि वो बंदा कहलाए, जब जली के दरवाजे पे हो या अली के दरवाजे पे हो। अली मिसल काबा है, बेशक अली मिसल काबा है। और बस यही तो सबब था कि सुना जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है कि जब जनाब बिलाल मक्का फतह होने के बाद काबे की छत पे खड़े होके पूछ रहे थे कि किधर रुख करके अजान दूं, कि अब तो काबे की छत पे पहुंच चुका हूं, तो सुना यही जाता है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि देख जिधर अली नजर है, क्योंकि अली की मिसाल काबे की तरह है, उसकी तरफ रुख करके अजान दे। सुभान अल्लाह, क्योंकि अली मिसले का। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनने को जी बहुत चाह रहा था, दामन वक्त की गुंजाइश ने इजाज़त ना दी, वरना यकीनन इंशाल्लाह आइंदा भी आपकी खिदमत में हैं। सदा आबाद रहें, शाद रहें, मौला आपको इज़्ज़त दें, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द कर बलाए मौला आना आपको नसीब हो। जो जो अहले बैत अलैहिम सलाम से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मवद्दत का दम भरते हैं, यकीनन शब जुम्मा यानी शाम जुम्मा की लग चुकी है, शब जुम्मा तो कल थी, शाम जुमे की हमारे यहाँ लग रही है और सूरज गरूब होने के करीब करीब है। आप लोगों के यहाँ यकीनन सूरज गरूब हो गया होगा, कुछ ममालिक के अंदर तो आप लोग देख रहे हैं, मगरिब के बाद का वक्त है आप लोगों के यहाँ। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, था, ताबिंदा है, रहेगा, इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इज़्ज़त और मकाम और रुतबा अता फ़रमाया है। तकरीबन कुछ ममालिक के अंदर आखिरी रोज़े की शब लग रही है और कुछ ममालिक के अंदर तीसवें रोज़े की शब होगी, लिहाजा रमज़ान का भी इंतहा हो गया है। तो दुआ है कि खुदावंद मुताल आने वाले रमज़ानुल मुबारक में भी आप लोगों को बरकतें, नेमतें, रहमतें अता फ़रमाए और आइंदा साल भी आप लोगों को रमज़ान को दर्क करने की सआदत नसीब फरमाए। जिस तरीके से आज के दिन की दुआ थी, जिसे जो शख्स पढ़ ले तो उसका नतीजा यही था कि इंसान के या तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं या वो अगले साल भी रमज़ानुल मुबारक को दर्क कर लेता है। लिहाजा कोशिश किया कीजिए कि आमाल से भी गाफिल ना रहा कीजिए। दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह और आमाल हम लोग अंजाम बजा लाते हैं, कभी कभार कोई चीज़ जहन से रह जाती है, तो दुआ यही करते हैं कि खालिक अहले बैत अलैहिम सलाम, अहले बैत अलैहिम सलाम का सदका हमें गफलत की नींद से बेदार करे और हुज्जत खुदा के दीन के ऊपर अमल पैरा होने की सआदत नसीब फरमाता रहे, ताकि हम लोग जब मौला का जहूर हो तो गाफिलों में ना हो। कभी कभार हम ज़्यादा अपने आप को दुनिया में इतना मगन कर लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से नेमत हैं वो भी बोझ बनना शुरू हो जाती हैं और हम उन्हें बोझ महसूस करने लगते हैं। मसलन दीन को ले लीजिए, जब हम इसे इस नज़र से देखेंगे कि ये हमारे लिए एक पाबंदी, कैद व बंद की कैफियत रखता है, तो हमारे लिए दीन भी बोझ बनता चला जाएगा। फिर नतीजा ये होगा, नमाज अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऐसा लगेगा जैसे
वजह से उसने हमारे ऊपर एक इजबार कर रखा है। हालांकि ये नमाज़ पढ़ने से जो बरकतें आती हैं, इतना शायद दिन भर आप मेहनत करके कारोबार करें, इतनी बरकतें नहीं आती। और इसी तरीके से हमारे लिए और वाजिबात, मुस्तहबात और इसी तरीके से मकरूहात से परहेज़ करना भी हमारे लिए अजाब बन जाता है। लिहाजा अपने आप को दीन से बहरामंद रखने के लिए, दीन की मार्फत हासिल करने के लिए हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का दामन तवसुल पकड़े रखा कीजिए। और एक दुआ है, रब्बिला तकलनी अला नफ्सी तरफत ऐनी अबदा। और इसी तरीके से तरफत ऐनी अबदा, ए अल्लाह मुझे एक पलक झपकने के लम्हे तक के लिए भी मुझे गाफिल ना रख। रब्बिला तकलनी अला नफ्सी तरफत ऐनी अबदा, ए अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी इस हिदायत से गाफिल ना रख। और कभी भी मुझे मेरे नफ्स पर वागुजार ना कर दीजिए। वागुजार यानी मैं अपने आप में ही सब कुछ फ़ैसले करूँ, ऐसा मुझे कभी भी मौका ना दे, बल्कि तौफीक दे कि तेरी तरफ से हिदायत मुझ पर नाजिल होती रहे और मैं हमेशा तेरी तरफ मायल रहूँ। अंजुमन सकाए सकीना अलैहिस्सलाम लाहौर से, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, पीर मौला अली अलैहिस्सलाम जी की मदद भाईजान। हमारी महफिल में जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से चरागा कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बवाज़े बुलंदर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह जी, बड़े मशहूर हैं हम करबला वालों की पूरी टीम के, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 आपको खुशामदीद कहता है। सलामत रहिए। सलामत रहें आप। ड्यूटी का आगाज करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह। बवाज़े बुलंदर सलावात, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि। बिछोड़ा पेश कर रहे हैं बारगाह इलाही में जनाब मोहतरम हसनैन अकबर सकलैन अकबर साहब का लिखा हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अकबर मैं मर जावारी पत नाते वीर आजा, अकबर मैं मर जावारी पत नाते वीर आजा, अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर आया, अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर आया, अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर आजा, अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर आजा, अकबर मैं मर जावांगी अकबर मैं मर जावांगी
तेना के वीर राजा खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। आइंदा भी हमारे साथ रहिएगा। दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदाबाद रहें, शाद रहें, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। इसी तरीके से आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करें। जल्द कर्बला मौला आना नसीब हो और जल्द अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र करना नसीब हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज।